हरे कृष्ण। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे वृष राशि के जातकों के लिए कि जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आज आपका भाग्योदय कब होगा, कैसे होगा, किस फील्ड में आज आपको नौकरी मिलेगी, राजनीतिक स्थिति क्या होगी, पारिवारिक स्थिति आपकी क्या होगी और समाज में आपकी क्या भूमिका होगी, आर्थिक क्षेत्र में क्या हाल होंगे आपके, और शेयर से लाभ होगा या नुकसान, प्रॉपर्टी से लाभ होगा या नुकसान, ये सारी बात आज हम आपको बताने वाले हैं। विदेश यात्रा का योग है या नहीं ये भी बताएंगे। आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, आपको सावधानियां क्या बरतनी है और आपको उपाय क्या करना है, इस पर भी आज हम आपसे चर्चा करेंगे। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें। यदि आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, यदि आपके मन में ये जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपने मित्रों के बारे में, शुभ चिंतकों के बारे में, तो आप क्या करें कि इनबॉक्स में जा करके अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेजें और अपना प्रश्न भी लिखें। आप क्या जानना चाहते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए कि जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए आज की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है। आज आप काफी उत्साहित रहेंगे, उत्साह में बहुत सारे कार्य करेंगे। जो बहुत दिनों से रुका हुआ कार्य नहीं हो रहा है वो समस्त कार्यों को होने का प्रबल योग बन रहा है, उस कार्य में सफलता मिलेगी और आपका पाइपलाइन में कोई भी कार्य होगा तो कार्य होते हुए दिख रहा है। रुका हुआ धन मिलेगा, जो आपने पैसा दिया है, जो बहुत दिन से मिल नहीं रहा है, उस धन की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। यदि आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में कोई भी व्यापार करने की योजना बना रहे हैं तो योजनाएं आपकी सफल होते हुए दिख रही है और माता पिता का सुख मिलेगा। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपके मन में थोड़ी सी चिंता भी हो सकती है। यदि आप विदेश यात्रा के लिए, आयात निर्यात के लिए अगर आपने प्लान कर रखा है तो इसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। साझेदारी में व्यापार करने से बचना है, तेज गति की गाड़ी चलाने से बचना है और यदि आपकी कोई आलोचना करता है तो आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो आपके हौसले बढ़ जाते हैं तो इसमें सीख लेकर के कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि आलोचक ही आपका बढ़िया शुभ चिंतक होता है, क्योंकि जो आलोचना करता है वही आपकी मार्ग प्रशस्त करता है। तो आपको इससे न तिलमिलाने की जरूरत है, न घबराने की जरूरत, उसे सीख लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है और अपने लक्ष्य को पूरा करने की आवश्यकता है। संतान सुख मिलेगा, संततियों की प्रगति से मन आपका प्रसन्न रहेगा, देश विदेश की यात्रा का भी योग बन रहा है। साझेदारी में अगर कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें संभल जाएं और अज्ञात व्यक्ति से कोई भी लेन देन डील न करें। आज आपको सरकार से लाभ होते हुए दिख रहा है, सरकारी कार्यों से, सरकारी योजनाओं से लाभ मिलेगा। यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आज आपकी पदोन्नत भी हो सकती है और स्थानांतरण का भी योग बन रहा है और आज आपके बहुत सारे कार्य होने की संभावना बन रही है। तीर्थ यात्रा, देशाटन, तीर्थाटन इत्यादि का भी योग बन रहा है। यदि न्यायालय में कोई वाद विवाद चल रहा होगा तो आपके पक्ष में होते हुए दिख रहा है, विरोधी परास्त होंगे और षड्यंत्रकारी विफल होंगे। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी आपको ये बरतनी है कि दिल के बजाय दिमाग की बात माननी है। उपाय क्या करना है, आज आप सफेद वस्तु का दान करें, दूध या दही किसी गरीब व्यक्ति को खिलावें आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी गरीब व्यक्ति की शिक्षा से संबंधित अगर कोई व्यक्ति निडी है, जरूरतमंद है, उसकी मदद करें और गौरैया चिड़िया को आज अपने हाथ से चावल खिलावें, बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक है 2 और शुभ रंग है सी ग्रीन। हरे कृष्ण।